तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल पे जिसका नाम है लेट्स हैक द प्रोग्रामिंग। तो आज हम बात करते हैं टोर ब्राउज़र को लेके कि टोर ब्राउज़र हम कैसे इंस्टॉल करें और टोर ब्राउज़र का हमें यूज़ कहाँ पे करना है और एक्चुअली में टोर ब्राउज़र होता क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं। तो हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम टोर ब्राउज़र को लेकर आज बात करने वाले हैं कि टोर ब्राउज़र एक्चुअली में होता क्या है। टोर ब्राउज़र जो हमारी डार्क वेब होती है उसको एक्सेस करने के लिए एक ब्राउज़र होता है, एक इंटरफेस होता है, क्योंकि जो हमारा डार्क वेब होती है वो हम इजीली क्रोम्स वगैरह में हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और जो टोर ब्राउज़र में डार्क वेब की वेबसाइट्स होती है वो डॉट ओनियन के नाम से होती है। तो डॉट ओनियन की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें डार्क वेब को मतलब एक्सेस करने के लिए हमें टोर ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बताना चाहें आपको कि टोर ब्राउज़र पे जो डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब होती है उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और उन तीन पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया गया था, जो हमारा सरफेस वेब आता है पहले नंबर पर, वो आता है जस्ट लाइक गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड याहू, जो मतलब सब पब्लिक के लिए होता है और वो उन सबको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जो मतलब वहाँ पे हमारा कुछ भी उस पर बैन वगैरह नहीं होता, उसको कोई भी बंदा आराम से ईजिली एक्सेस कर सकता है। तो वो हमारा सरफेस वेब के अंडर आता है। तो सरफेस वेब टोटली इंटरनेट का ओनली 4% है। तो जो बाकी का बच गया 96% के अंडर आता है डीप वेब एंड डार्क वेब। तो डीप वेब एंड डार्क वेब में क्या होता है, वहाँ पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कुछ लीगल्स भी होती हैं और कुछ इलीगल्स भी होती हैं, उनको हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें टोर ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो टोर ब्राउज़र अगर हम इजीली आपको बताना चाहें तो टोर ब्राउज़र हमें डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। तो टोर ब्राउज़र एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है, वो हम डाउनलोड कर सकते हैं आराम से टोर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है torproject.org से। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से टोर ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हो। तो टोर ब्राउज़र पे डार्क वेब पे जाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डार्क वेब ऐसे ही एक्सेस करोगे तो जो आपका PC या फिर फ़ोन है वो आराम से हैक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इलीगल्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं और कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं जो आपको फ़ोन या PC का हैक कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको डार्क वेब एक्सेस करनी है तो एक VPN का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि VPN आपकी थोड़ी हेल्प करता है अनोनीमस रखने के लिए कि जो आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो उनमें आपकी जो रियल आइडेंटिटी है वो ना जाए उन वेबसाइट्स पे, कि वो मतलब वहाँ पे उनके पास डाटा रहता है कि किस बंदे ने कहाँ से उनकी वेबसाइट को एक्सेस किया। अगर आप VPN का यूज़ करोगे तो उनको थोड़ा मतलब आप इंटरनेट पे अनोनीमस रह सकते हो। सेकंड, जो टोर होता है वो भी खुद एक IP के रिले बनाता है, वो ऑटोमेटिकली मतलब आपकी IPs को चेंज करता रहता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि आप कहाँ से बैठ के क्या चला रहे हो, ठीक है। तो सेकंड, जो हम बात करते हैं कि जो टोर पे कुछ इलीगल्स एक्टिविटीज़ और फ्रॉड्स भी होते रहते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आप टोर यूज़ कर रहे हो और आप डार्क वेब एक्सेस कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखें उसको एक्सेस करें, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके फ़ोन से आपका पर्सनल डाटा, इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ मतलब आपके बिना परमिशन से चुरा लेते हैं। तो आप अगर मेरी अपनी पर्सनल राय है कि अगर आपको कुछ काम है तो ही डार्क वेब को एक्सेस करें, अदरवाइज़ कभी भी डार्क वेब को एक्सेस ना करें, क्योंकि वहाँ पे कार्डिंग्स, कार्ड डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, बहुत कुछ मतलब सब तरीके का एक इलीगल काम ही वहाँ पे हद से ज़्यादा होता है, और वहाँ पे आपका डाटा भी चोरी होके किसी और मतलब थर्ड पार्टी के हाथ लग सकता है। अगर आपको काम है तभी डार्क वेब पे जाएं, वरना डार्क वेब पे मत जाएं, ठीक है। तो डार्क वेब को इंस्टॉल मतलब डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टोर ब्राउज़र इंस्टॉल करना होता है। अगर आपको वो भी सीखना तो कमेंट में एक बार कमेंट छोड़ें तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आपको विंडोज़ के अंदर या फिर फ़ोन के अंदर वो दोनों के लिए अवेलेबल है, कि आप उसको कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको वीडियोज़ भी उसके लिए दे दूंगा, वरना मैं कुछ दिनों बाद खुद ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो
डार्क वेब के कुछ प्राइवेट लिंक होते हैं, हम उन्हीं लिंक्स के थ्रू उन डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे डार्क वेब पे ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारे सर्फेस वेब पे गूगल्स वगैरह सर्च इंजन काम करते हैं, आपने किसी वेबसाइट के बारे में लिखा और आपको लिंक्स मिल गया और आप वेबसाइट पे चले गए, क्योंकि डार्क वेब के कुछ प्राइवेट लिंक होते हैं, उन्हीं की हेल्प से आप उन वेबसाइट पर जा सकते हो। तो उनके लिंक्स कैसे मिले, उन पर वेबसाइट पर कैसे जाना है और कौन सी वेबसाइट क्या काम करती है, अगर आपको ये भी पता करना है तो एक बार कमेंट जरूर डालें। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि कौन सा वहाँ पे सर्च इंजन काम करता है और सर्च इंजन काम करने के बाद कौन कौन सी वेबसाइट आपको किस किस तरीके की वहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल पर जो एथिकल हैकिंग का कोर्स भी चल रहा है उस कोर्स को भी देखें। अगर आपको लगता है कि आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है तो कोर्स की वीडियोज़ रेगुलरली देखें। तो बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।